जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर ब्लॉग्स एंड H23 अनिल मोटिवेशन। दोस्तों तो आइए, स्वागत है मेरे चैनल के अंदर और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लेके आया हूँ। एक बहुत ही बेस्ट जॉब है आर्मी के अंदर ही है, उसके अंदर जो 10th और 12th पास बच्चे हैं, जितने भी भाई बहन मेरे से जुड़े हुए हैं जिन्होंने 10th या 12th की हुई है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस वैकेंसी का। तो आप लोग जरूर इसमें अप्लाई करें। दोस्तों वैकेंसीज कम है बट आप अप्लाई ज़रूर करना इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है 10th और 12th पास ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना ताकि वो लोग जिन लोगों को इस जॉब की नीड है उन तक ये जानकारी पहुँच सके। दोस्तों क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर दोस्तों सिर्फ मैं कभी भी रिपीटेड जॉब नहीं आते हैं, मैं हमेशा जो नई नई वैकेंसी आते हैं टोटली वही लेके आता हूँ। इससे पहले भी आप मेरे वीडियो उठा के देख सकते हो, उसमें अलग वैकेंसी मिलेंगी और जो मैं बताता हूँ वो हर एक वीडियो के अंदर आपको अलग ही वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी और लेटेस्ट जॉब देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट से रिगार्डिंग और प्राइवेट जॉब्स दोनों के रिगार्डिंग। जो है जो लेटेस्ट वैकेंसी होंगी वही मेरे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक भी जरूर कर दीजिए दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना भी मत भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला दोस्तों इंडियन आर्मी जो महू एमपी रिक्रूटमेंट 2023 जो निकला हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या रहने वाला है यहाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये रहने वाला है यहाँ का नाम। सेकेंडली बात करूँ पोस्ट की, जो पोस्ट रहने वाली है ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो 37 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और इसमें मैं बात करूँ आपका जी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, तो पेंटर की है, कारपेंटर है, चौकीदार एमटीएस है, सिविलियन मोटर ड्राइवर है, ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रेड का। उसके बाद है इक्विपमेंट रिपेयरर है, ग्राउंड्समैन है, उसके बाद मैसेंजर एमटीएस है, स्टोर कीपर ग्रेड 2 का है, टेलर की वैकेंसी है, टेली कम्युनिकेशन मैकेनिक की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है, दफातरी की उसकी एमटीएस की वैकेंसी है, उसके बाद गार्डनर की एमटीएस की वैकेंसी है, एलडीसी की वैकेंसी है, ठीक है ना। तो बहुत सारी वैकेंसीज इसके अंदर आई हुई हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो जो 10th और 12th पास बच्चे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट बता दो इसको, लास्ट डेट जो है 16 सितंबर 2023 है इसको अप्लाई करने का। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो भी आपको मैं जरूर आगे बताऊंगा। अप्लाई करने का प्रोसेस ये है दोस्तों, इसका जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन है, आपको यहाँ से जो फॉर्म है वो आगे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना है फिल करके, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, ये सारे जितने भी आपको साइड में जो स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे हैं ये सारे जो है नोटिफिकेशन के हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, तो आप इनको देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हो। तो हर तरह हर किस किसी कितनी वैकेंसी है वो भी आपको ऊपर नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो बात करते हैं आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको 10th और 12th पास बता दिया। एज लिमिट की बात करता हूँ दोस्तों, तो ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल एज चाहिए, 18 से 27 साल ड्राइवर के लिए चाहिए। और अदर की बात करूँ तो बाकी जो ट्रेड्स के लिए जो चाहिए 18 से 25 साल की एज चाहिए यहाँ पर। एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम रहने वाली है, ₹50 एप्लीकेशन फीस है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका रिटन टेस्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाली है और नोटिस नंबर जो है दोस्तों ये है 471/DR2021EST, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका नोटिस नंबर ही मैंने आपको बता दिया है। और बता दूं दोस्तों कि आप जब ये जो फॉर्म फिल करके भेजते हैं तो ₹22 का एक स्टैम्प पेपर जो पोस्टल एनवेलोप है वो लगा के भी उसमें आपने अंदर डाल के भेजना है जब आपको, क्योंकि एडमिट कार्ड उसी में रिटर्न आपको आना है इसका, ठीक है। तो एड्रेस कौन सा रहेगा जहाँ आपने भेजना वो भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर। तो एड्रेस रहने वाला है द प्रिसीडिंग ऑफिसर सिक्योरिटी सेल, ये साइफर विंग, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू MP 453441, ये इसका क्या एड्रेस रहने वाला है। और ऊपर भी मैं मेंशन कर दूंगा इसका एड्रेस जो है कहाँ भेजना है आपको, ठीक है। और इसको आप रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं दोस्तों। तो जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी मुझे दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो और बच्चों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं जरा नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।